हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संगीता, स्वागत है आपका संगीता किचन क्राफ्ट में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मिश्रित रोटी। तो आइए देखते हैं। मिश्रित रोटी बनाने के लिए सामग्री चाहिए: एक कप सूजी, एक कप गेहूं का आटा, एक कप ओट्स और एक कप बेसन, थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 3-4 हरी मिर्च, 1-2 टमाटर, 1 प्याज और थोड़े से पालक, जिसको मैंने धो करके रखा है। पालक को मैंने बहुत ही छोटे छोटे चॉप की है, देख लीजिए, और टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, प्याज को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले आटा जैसा गूंदना है सूजी, आटा और ओट्स। थोड़े से इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच। कटी हुई प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी टमाटर कटी हुई, हरी मिर्च, और साग जो मैंने काट कर रखा है वो सभी को एक साथ डाल देना है। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 छोटी चम्मच, अब सभी सामग्री को एक साथ मिलाना है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसे हम आटा जैसा भून लेंगे। बिल्कुल इस तरह से डो हम इसका आटा की तरह पूरी अच्छी तरह से इसको गूंद लिए। अब हम इसका रोटी शुरू करते हैं। पहले इसका छोटा छोटा लोइया हम बना लेते हैं इस तरह से सबको। थोड़ा थोड़ा आटा, गेहूं का आटा लेकर के ऐसे हम उसकी सहायता से बेल लेंगे, धीरे धीरे बेलना है इस तरह से। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे तवा पे डाल देंगे। हमारा मिश्रित रोटी बनकर तैयार है। यह बनाने में बहुत ही आसान है और पौष्टिक से भरपूर है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। इसी तरह के नए और लजीज व्यंजन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।